हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी PIB 8 सितंबर की PIB रिपोर्ट्स, ठीक है, न्यूज़ कह लीजिए, बिकॉज ये करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगा किस तरीके से हमें करनी है। लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट जो है इसके अंदर वो अभी हम ले लेते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD। देखिए, यहाँ से अपडेट भी मिल जाते हैं कि कौन किसके मिनिस्टर है, क्योंकि ये सारा कुछ रटने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इसके बारे में न्यूज़ देखें। ओके, तो इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD श्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, इनॉग्रेट्स 4th वर्ल्ड समिट ऑन एक्रीडेशन वर्सा, ठीक है। अब ये क्लिक करता है क्वेश्चन जैसे वर्सा 2018, ठीक है, तो इसके जो एक्रोनिम्स हैं वर्सा, तो उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके भी आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड समिट है ये, ठीक है, ऑन एक्रीडेशन, ठीक है, इसे फोर्थ था ये। रेटिंग एंड रैंकिंग्स आर द क्वालिटी हॉलमार्क फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, श्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसमें से यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD कौन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD श्री प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेट्स 4th वर्ल्ड समिट ऑन एक्रीडेशन, ठीक है, वर्सा 2018। अब ये कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वर्सा जस्ट हैड ऑन न्यू दिल्ली टुडे। ओके, स्पीकिंग ऑन दिस ओकेशन द मिनिस्ट्री सेड दैट रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स बोथ द क्वालिटी हॉलमार्क फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयरफॉर एक्रीडिटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, मुझे तो अच्छी लगी, आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये। He further said that we need to cover each and every institution under accreditation, but right now the number of accredited institution is very less. He said that it may be for two reasons. First, some institution do not want to come under accreditation, and second, we have some restriction in our own accreditation mechanism. Therefore, government wants to increase the strength of NBA and NAC. Okay, NAAC, so that more number of institution can be accredited. Okay. The minister said that ranking and rating increase competitiveness among institution for better performance. Obviously, देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग या किसी भी एक ऐसे कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो ओनली फर्स्ट 3 or 4 ईयर्स ही नहीं, बाकी के उसके नेक्स्ट जो ईयर्स हैं ब्रांड आफ्टर ब्रांड भी, ठीक है, वो वर्क अच्छी करती रहे, तो उसके टाइम टू टाइम जो है ना उसके रेटिंग्स होते रहने चाहिए। और इसी जो एजुकेशन है इसी पे डिपेंड करता है आगे का जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है पूरे वर्ल्ड में, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये सारा कुछ। ओके, सो नाउ अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, जिसे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री आर सुब्रमण्यम सेड, ठीक है, अब हियर वी गेट दैट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, ठीक है, श्री आर सुब्रमण्यम सेड दैट द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस एजनली 15% इंस्टीट्यूशंस कम अंडर एक्रेडिशन, 85 इंस्टीट्यूशन आर स्टिल नॉट कमिंग फॉर एक्रेडिशन। अब आप देख सकते हैं कितने ह्यूज अमाउंट में जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है वो इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग नहीं हो पा रही है ना। तो डॉक्टर अनिल सुहासरा बुधे चेयरमैन AICTE एंड डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद चेयरमैन NBA वर ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द इवेंट, ठीक है। एंड नाउ इट्स जस्ट गिविंग दैट इसके अंदर अब ये बैकग्राउंड दिया हुआ है इसका, वर्ल्ड समिट जो हुआ था ऑन एक्रीडेशन वर्सा इज अबिन समिट ऑर्गेनाइजेशन बाय NBA था ये, विच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू स्टेक होल्डर्स टू शेयर देयर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्रीडेशन। NBA हैज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज 3 समिट्स इन 2012, 14 एंड 16। तो वी जस्ट रिमाइंड इट इन अवर माइंड ओनली द अपडेटेड न्यूज़ लाइक कि 3 समिट्स ऑलरेडी हेल्ड, ठीक है, ऑन द ईयर ऑफ 2012, 14 एंड 16, ठीक है, विद द थीम्स ऑफ, इनकी थीम्स भी बताई गई हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। PIB से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि PIB के जो न्यूज़ है या करंट अफेयर जो लॉट्स ऑफ करंट अफेयर अवेलेबल इन द मार्केट ऑनलाइन, ठीक है, एंड ऑफलाइन, सो वी गेट अ कन्फ्यूज अबाउट दैट कि वेयर वी गेट राइट करंट अफेयर्स, है ना। हमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो जाता है क्योंकि मार्केट के अंदर इतने सारे करंट अफेयर्स हैं कि हमें ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से हमें लर्न करना है, बट हमें लर्न करना ही नहीं होता एक्चुअली, इट जस्ट हैपन कि हम जब स्टार्टिंग करते हैं या कर रहे होते हैं, एक दो साल भी हो जाते हैं तो भी हमें ये रहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आपको रखना नहीं है। आपको डेली अर्ली मॉर्निंग में या फिर जब भी आपको ऐसा लगता हो कि आपका पीक टाइम है स्टडी का, उस समय आपको इसको ऐसे पढ़ना है जैसे हम न्यूज़ देखते हैं ना, TV पे न्यूज़ देखते हैं, जस्ट लाइक इट। तो इसके अंदर अब देखिए ये जो थीम जो निकल के आई है, जो इसकी थीम रही है 12, 14, 16 की, वो थीम इन्होंने क्लियर करी है, तो ये थीम के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। विद द थीम तो जैसे अचीविंग एक्सीलेंस थ्रू एक्रीडेशन, है ना, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू आउटकम बेस्ड एक्रीडेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये तीनों के उन्होंने नीचे थीम दे दी है, ठीक है। ऑल दीज थीम्स, ऑल दीज समिट्स
were well attended Warsaw 2012 was attended by 800 participants. ठीक है, how many participants participated in this summit? 800. ठीक है, Warsaw 2014 was attended by 850 participants and Warsaw 16 attended by 800. ठीक है, तो around 800-850 चल रहा है. ठीक है, अभी 800 थे, है ना. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करंट में याद रहने चाहिए. जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो वी गेट अ कंफ्यूज कि अब ये भी हम कहाँ से पढ़ें. तो पीआईबी से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. पीआईबी पढ़ लो पहले, फिर बाकी की चीज़ें बाद में कवर अप करा देंगे. ठीक है, कंटिन्यूइंग दिस ट्रेडिशन एनबीए इज ऑर्गेनाइजिंग वर्सा 2018 फ्रॉम 7 to 9 September 2018 एट होटल अशोक चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली. ओके, इट्स जस्ट नॉट आस्किंग दैट, एकदम से वेन्यू तो नहीं आने वाला है, इसको हम नहीं भी करें तो चलेगा, बट हाँ एक बार रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए. ठीक है ना, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन. ठीक है, अब इसमें से तो मेरे को लगता है कि इसके अलावा कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, तो वी गेट दैट अ नेक्स्ट न्यूज़. ओके, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटेंड्स राउंड टेबल ऑफ कजैक इंडोलॉजिस्ट एट राउंड टेबल ऑफ कजैक इंडोलॉजिस्ट एट चार्ल्स यूनिवर्सिटी इन पैराग्वे, रिसीव्स ब्रीफिंग एट ईएलआई बीम लाइंस, यूरोप्स लीडिंग लेजर रिसर्च सेंटर ऑन टाई अप विद टीआईएफआर इन मुंबई. ओके, तो ये जो इसमें बताया गया है राउंड टेबल ऑफ कजैक का, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उन्होंने इसे अटेंड किया है. सो नाउ वी सर्च दैट इस न्यूज़ में हमें क्या मिलने वाला है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, ओके, अटेंडेड अ राउंड टेबल डिस्कशन ऑफ इंडोलॉजिस्ट एट चार्ल्स यूनिवर्सिटी इन पैराग्वे टुडे. ठीक है, स्पीकिंग ऑन द ओकेशन द प्रेसिडेंट सेड दैट इंडोलॉजी हैज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन पैराग्वे. ठीक है, इंडोलॉजी जो पैराग्वे का ओल्ड ट्रेडिशन है, स्टार्टिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेयर ऑफ अ चेयर इन संस्कृत एट चार्ल्स यूनिवर्सिटी इन 1850, प्रोफेसर लेसने वॉज एमोंग द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कजैक स्कूल ऑफ इंडोलॉजी. ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जस्ट मार्क इट. और यू देखिए थोड़े थोड़े से पॉइंट ही होते हैं, अगर आप नोट्स से करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको बार बार पीआईबी न्यूज़ निकालने में प्रॉब्लम आ रही है या ऐसा कुछ है, तो यू टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, लेस पेपर वर्क, और इफ़ यू जस्ट वॉन्ट दैट पेपर से आप लर्न करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आप इसको क्या करो, नोट बनाते जाओ. ठीक है, साथ के साथ. तो स्पीकिंग ऑन द ओकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट सेड इंडोलॉजी हैज़ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन पैराग्वे. ठीक है, एक तो ओल्ड ट्रेडिशन है ये मालूम पड़ गया, स्टार्टिंग विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ चेयर इन संस्कृत एट चार्ल्स यूनिवर्सिटी इन 1850. ठीक है, 1850 में चार्ल्स यूनिवर्सिटी में इसको, ठीक है, क्या करा गया था, चेयर इन संस्कृत एट चार्ल्स यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट करा गया था 1850 में. प्रोफेसर किसने किया था, प्रोफेसर लेसने वाज अमंग द फाउंडिंग फादर ऑफ द कजैक स्कूल ऑफ इंडोलॉजी. तो वी गेट दैट पिन पॉइंट न्यूज दैट प्रोफेसर लेसने, ठीक है, कौन थे इसके फाउंडिंग फादर ऑफ द कजैक स्कूल ऑफ इंडोलॉजी. ओके, और एक कब करी गई थी स्टार्ट, 1850 में. ठीक, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट हु ट्रांसलेटेड रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएट्री डायरेक्टली फ्रॉम द बंगाली इन टू कजैक. ठीक है, दैट इज इंडोलॉजी, डायरेक्टली फ्रॉम बंगाली टू इन टू कजैक जो उन्होंने ट्रांसलेट करी थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएट्री को किया था, इंस्टीड ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज एन इंटरमीडिएटरी. ओके, तो इंटरमीडिएटरी में इंग्लिश यूज़ नहीं करा गया था, डायरेक्ट किया गया था. मे बी इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो पोएट्री थी वो किसकी थी, या फिर उसको किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया गया था. ओके, अब देखिए इसके अंदर हम पहले मैंने ऐसी न्यूज़ बताई थी, तो मैंने कहा था कि अब इसमें जो हमें मिनिस्टर्स हैं ना, वो उसके भी पता होने चाहिए. ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं. देखिए यहीं मिल जाएंगे अभी हमें. लेटर इन द डे द प्रेसिडेंट विजिटेड ईएलआई बीम लाइंस इंटरनेशनल लेजर रिसर्च सेंटर इन पैराग्वे. ही रिसीव्ड डिटेल ब्रीफिंग्स एट द कटिंग एज इंस्टीट्यूशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स इन सेंटर्स ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च. Coinciding with the President Kovind's visit, ELI Beamlines has signed an agreement with the Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai. Technologists from TIFR also meet the President and briefed him on the implication of their work in variety of, including healthcare, energy and security. The President will leave for a New Delhi tomorrow on the completion of his three-nation visit to Cyprus, Bulgaria एंड द कजैक रिपब्लिक. ठीक है, कितना कंप्लीट किया उन्होंने, ऑन द कंप्लीशन ऑफ थ्री नेशन विजिट. ठीक है, थ्री नेशन विजिट पर गए थे, साइप्रस, बुल्गारिया एंड कजैक. ओके, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है विजिट के ऊपर. बिफोर लिविंग पैराग्वे द प्रेसिडेंट विल विजिट ठाकुरोवा पार्क नेम्ड इन ऑनर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड पे रिस्पेक्ट्स टू द पोएट. ये तो मस्ट है, मस्ट, वी शुड नो दैट टाइप ऑफ पार्क. और जो भी हमारे मतलब इंडियंस के जो भी नेम पर जो भी ऐसे स्कल्पचर या कोई बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन या पार्क्स जो बने हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ऐसा कुछ हमें और मिलने वाला है.
जैसे प्रेसिडेंट सेड द डिफेंस सेक्टर हैज़ बीन वाइटल एरिया ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कजाक रिपब्लिक. ठीक है, ही इन्वाइटेड कजाक डिफेंस कंपनीज टू इन्वेस्ट एंड मैनुफैक्चर इन इंडिया. ऑब्वियसली ये तो होते ही है, सभी अपना जो मैनुफैक्चर वगैरह है उसमें इन्वेस्ट कराना ही चाहते हैं एक दूसरे से. इंडो कजाक पार्टनरशिप हैज़ बीन डिफाइंड बाई पॉपुलर एम्ब्रेस. ठीक है, एम्ब्रेस सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कजाक रिपब्लिक मिस्टर एंड्रेस बाबल. ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको बताना चाह रही थी. हेयर इट इज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कजाक रिपब्लिक मिस्टर एंड्रेस बाबिस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस ऑफ जिप्टीज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कजाक रिपब्लिक इज मिस्टर राधेक वॉन्ड्रेसिक ऑल्सो कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट कोविंद यस्टरडे इवनिंग. ठीक है, दिस इज द न्यूज़. इस तरीके से न्यूज़ ली जाती है और ये आपको यकीन मानिएगा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है. मैं भी स्टार्टिंग वीडियो में बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं बताऊंगी, बस जल्दी जल्दी हम लोग इसे कवरअप कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. ये वो क्वेश्चन है जो लगता है हमें कहाँ से आए पेपर में, कहाँ से मतलब इतना कैसे पढ़ेंगे हम, है ना. तो ये वो वाले हैं, कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. फॉर्मर पीएम ऑफ नेपाल श्री पुष्पा कमल दाहल. ठीक है, फॉर्मर पीएम ऑफ नेपाल श्री पुष्पा कमल दाहल प्रचंडा कौलसन पीएम. श्री पुष्पा कमल दाहल प्रचंडा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड को चेयरमैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. द टू लीडर्स डिस्कस प्रोग्रेस इन इंडिया नेपाल रिलेशंस एज वेल एज अदर इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. द प्राइम मिनिस्टर फॉन्डली रिकॉल्ड देयर प्रीवियस इंटरेक्शन एंड थैंक्स श्री दाहल फॉर हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस रिकॉलिंग हिज टू विजिट्स टू नेपाल दिस ईयर. इन दिस ईयर हाउ मेनी विजिट्स डन बाई पी एम ऑफ इंडिया टू नेपाल, इट्स टू. ठीक है, छोटा सा बट ट्रिकी है, आ सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं PIB से, ध्यान रखिएगा. अभी तक बहुत क्वेश्चन जो हैं वो निकल के आ चुके हैं. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंसेस एयरो शो. ठीक है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू होल्ड द एयरो इंडिया 2019 इन बेंगलुरु फ्रॉम 20 to 24 फरवरी 2019. दिस 5-day इवेंट विल कम्बाइन अ मेजर एग्जीबिशन फॉर द एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज विद पब्लिक एयर शोज बिसाइड्स ग्लोबल लीडर्स एंड बिग इन्वेस्टर्स इन एयरोस्पेस इंडस्ट्री. द शो विल ऑल्सो सी पार्टिसिपेशन बाई थिंक टैंक्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. इट विल प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडियाज एंड न्यू डेवलपमेंट्स इन द एविएशन इंडस्ट्री बिसाइड्स गिविंग Philip to the domestic aviation industry. It would further the cause of make in India. The Department of Defense production is committed to make this a successful and result oriented show. ठीक है, तो इस तरीके की भी न्यूज़ जो है हमें देख लेनी चाहिए. कोई भी न्यूज़ हमें छोड़नी नहीं होती है इसके अंदर, reminded. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD ऑलरेडी डन बाई अस, नेक्स्ट ले लेते हैं. एक्चुअली PIB में क्या होता है ना, जो ज़्यादा बड़ी न्यूज़ होती है उसे सबसे पहले पेज पर रख देते हैं. ठीक है, और अगर साइड में वो नीचे है. देखिए WAN कनेक्टिविटी टू डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अब देखिए ये वही वाला है, लैन मैन वैन. ठीक है, तो दैट इज़ वैन कनेक्टिविटी इसकी बताई जा रही है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट की. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ई कोर्ट्स मिशन. ठीक है, ई कोर्ट्स करी जाएगी क्योंकि डिजिटल इंडिया चल रहा है तो ई कोर्ट भी होना ही चाहिए. भैया पेपर की कितनी वेस्टिंग होगी, कितनी फाइल बनाई जाएगी, तो ऑब्वियसली कहीं कहीं हो भी चुका है. तो अब ये डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को लिंक करने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज सेकंड 15 to 19 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क वैन कनेक्टिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस. देखिए बहुत प्रॉब्लम आती है कोर्ट्स को कनेक्ट करने में, फाइल इधर से उधर ले जाने में, बहुत सारी प्रॉब्लम तो फाइल में ही हो जाती है, फाइलें चेंज हो जाती है बहुत सालों से, आप देखते भी आ रहे होंगे. ठीक है, मूवीज में बहुत सारा कुछ दिखाते हैं इसके बारे में, फाइल चेंज हो गई है, फाइल नहीं मिल रही है, फाइल खो गई है, फाइल जल गई है. तो अब उसे पूरा का पूरा डिजिटल करा जा रहा है, काफ़ी जगह पर हो भी चुका है, काफ़ी काम रह भी गया है क्योंकि फाइल ही इतनी सारी है इंडिया में, मैनेज नहीं हो पाती है. तो वी नीड टू डू दैट पेपरलेस. हमेशा मैं कहती हूँ आप भी इसमें स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा करो, बहुत फ़ायदा होता है, या फिर डाउनलोड करके पढ़ लिया करो. आजकल सभी के पास डाटा अवेलेबल है, जियो की मदद से वैसे भी डाटा बहुत सारा जो है ना वो इस समय बहुत अच्छे उस पर रेट पे आपको मिल जाता है. ठीक है, डू द स्मार्ट स्टडी. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हमारे मतलब की और कौन कौन सी न्यूज़ हैं. अब देखिए ऑब्वियसली अब इसके अंदर कंप्यूटराइजिंग जो करा रहा है 16,018 एंड डिस्ट्रिक्ट को एंड सबऑर्डिनेट कोर्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ केस इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह डाल देंगे, हार्डवेयर वो डाल देंगे और लोकल एरिया नेटवर्क इन कोर्ट्स में बना देंगे. वो तो हो गया लैन का काम. दस मेकिंग जुडिशरी ICT इनेबल्ड फॉर एफिशियंट एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग विद अ पॉजिटिव ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए से कर दिया जाएगा. अब देखिए इसमें कॉस्ट वैन प्रोजेक्ट जो है इसका BSNL एट अ कॉस्ट ऑफ कितने पे हैं 167 करोड़ फॉर एस्टैब्लिशिंग वाइड एरिया नेटवर्क का. ठीक है, कनेक्टिंग कितने पे डिस्ट्रिक्ट को करेंगे 2,992. ठीक है, एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग 547 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस विद नो कनेक्टिविटी, है ना. तो इस तरीके से ये हमें पढ़ना होगा, बाकी इसके अंदर और इतना कुछ नहीं है. ठीक है, आपने देखा मैं आपके सामने ही सारा कुछ करके बता रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पहले से एक नोट्स बना के आपके लिए रख लिया था.
कि आप ना कर पाओ, अगर आप कर सकते हो तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ, और मेरे संग अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। श्री धर्मेंद्र प्रधान एम्फसाइजेस ऑन अ क्लीन एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल मोबिलिटी सिस्टम, अबाउट 10,000 सीएनजी स्टेशंस टू बी इन प्लेस, बायो एटीएफ एंड बायो सीएनजी पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। अब देखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, एम्फसाइजेस ऑन अ क्लीन एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल मोबिलिटी सिस्टम, ओके। अब देखिए आपको आगे बताती हूँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान हैज़ एम्फसाइज्ड ऑन अ क्लीन एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल मोबिलिटी सिस्टम। एक बात तो पता पड़ गई, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि देखिए चेंज होते रहते हैं, आप कितना भी याद कर लेना, न्यूज़ नहीं देखे हुए तो पता पड़ेगा, आपको पता पड़ेगा कि आप एग्जाम में गए हैं उस समय तक क्या हुआ, वो मिनिस्टर चेंज हो गए थे, ठीक है, और आप गलत मार्क कर आए, तो ये एक बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अदर सब्जेक्ट में लगे रह जाते हैं, पीआईबी को देखते ही नहीं है। इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स एट द ग्लोबल मोबिलिटी समिट 2018 हियर टुडे ही सेड दैट डिस्पाइट चेंजिंग ग्लोबल ट्रेंड्स कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया इज ग्रोइंग इन एक्सेस ऑफ 5% पर एनम, ओके, वट एवर दिस सिनेरियो ऑफ द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडिया वुड स्टिल नीड हायर रिफाइनिंग कैपेसिटीज टू अचीव क्लीनर एमिशंस, अचीव क्लीनर एमिशन द मिनिस्टर एडेड, इंडिया विल लीप फ्रॉग फ्रॉम BS44 टू BS6 स्टैंडर्ड। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड द NCT ऑफ दिल्ली हैज़ ऑलरेडी स्विच टू द बेटर फ्यूल सिंस अप्रैल दिस ईयर, श्री प्रधान सेड द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। अब देखिए जहाँ पे ऐसे शॉर्ट वाले आते ना, वहाँ पे आप क्या करा करो, जैसे अब इसमें प्रधान आया तो आपको पूरा नेम ही आप रिपीट कर लो, धर्मेंद्र प्रधान, इस तरीके से भी याद हो जाता है, मतलब जिन्हें याद है जो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं उन्हें तो लर्न ही होगा जो न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम इसके अंदर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इंडियन ऑयल हैज़ टाइड अप विद द दिल्ली गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस 50 हाइड्रोजन एनरिच CNG बसेस नेक्स्ट ईयर, इसके ऊपर भी कुछ ट्रिकी से क्वेश्चन वो एक पैरा सा बना के दे देते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके बाद में आप न्यूज़। डाइवर्सिटी मिनिस्ट्री इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फॉर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड्स 2018, ठीक है। Logo design contest for the awards launch. The Ministry of Women and Child Development has invited nomination for the National Children Awards 2018. This national recognition, which is conferred by the President of India, is given to children with outstanding achievements in the fields of innovation, scholastic achievements, sports, arts and culture, social service and bravery. The last date to submit nomination is now September 30, 2018. ठीक है ना, लास्ट जो इसका नॉमिनेशन जो होने वाला है सबमिट वो होगा सितंबर 30 में। एलिब्रेटिंग ऑन द अवार्ड्स श्रीमती मेनका संजय गांधी, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेड द नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड्स इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू ऑनर द एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स अवर फॉर अवर चिल्ड्रन एंड दोज हु स्ट्राइव टुवर्ड्स देयर वेलफेयर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन इन अ वे टू इंस्पायर अदर्स थ्रू द अवार्ड द गवर्नमेंट reaffirms its commitment towards ensuring the development of our children and honoring their talent and commitment to society. Applications are sought in the categories of National Child Awards and National Child Welfare Awards. Recipients of the National Child Awards receive a medal, a cash, ठीक है, प्राइस ऑफ रुपीज 1 lakh, बुक वाउचर वॉट रुपीज 10,000, अ सर्टिफिकेट एंड सिटेशन, ठीक है। The National Child Welfare Awards recognize the work of individuals and institutions who have made a remarkable contribution toward the service of children in the fields of, देखिए आप इसके अंदर आप देख सकते हैं इतना कुछ नहीं है, बाकी हाँ हमें न्यूज़ ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज़, ठीक है, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद में हमारे जो 6-7 का बैकलॉग रह गया है उसे भी मैं अभी कंप्लीट कर दूँगी, ओके। आई थिंक आप लोगों को PIB न्यूज़ पसंद आई होगी, देखिए फ्रेंड बहुत जरूरी होता है PIB से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानिएगा ये क्वेश्चन जब आप वहाँ पे देखेंगे तो सेम एज इट इज़ रखे होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि न्यूज़ जो होती है न्यूज़ को आपको एनालिटिकल तरीके से पढ़ना पड़ता है, न्यूज़ में भी काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन PIB से डायरेक्ट, यस फ्रेंड्स PIB से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ PIB को डोंट फॉरगेट टू इसे खुद पढ़ना मत भूलिए, या फिर मैं पढ़ा दूंगी जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं आपको खुद दिखा रही हूँ कि PIB कैसे पढ़ी जाती है, कैसे इंपॉर्टेंट ढूंढा जाता है, तो आप लोग आई होप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो खुद भी सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल मेरे ही चैनल से आप पढ़िए, जैसे आपको समझ में आता है, अगर लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करो, आप जैसे कहेंगे मैं उस तरह से बना दूंगी, बाकी मेरे को तो थोड़ा मतलब
हिंदी नहीं कर रही हूँ मैं, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कहीं कहीं पर मैं अगर भूल गई हूँ तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि बाईलिंगुअल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर में सबसे बेस्ट मुझे PIB लगता है, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग द PIB सीरीज फर्स्ट। उसके बाद में मैं लेके आऊँगी आपके लिए जो नेक्स्ट करंट अफेयर में PIB की सीरीज बैकलॉग वाली 6-7 की, और यकीन मानिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बना दूँगी लास्ट मंथ की जो छूट गई हैं। और अभी जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और PIB की न्यूज़ को प्लीज़ करके जाइएगा। PIB को ऐसा मत सोचिएगा नहीं आती है, PIB बहुत वेट में है, इस समय बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है और इसके बाहर नहीं आता है। हाँ, थोड़ी बहुत साइंस वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम और वीडियोस बना देंगे आपके लिए अलग से अपडेट करने की आपकी उसको, ठीक है। तो 1-1 मंथ की या 2-2 मंथ की इस तरह से मैं बना दूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन ऑल्सो, ठीक है। और नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट कर देना। डिसलाइक अगर आप करना चाहते हो प्लीज़ बता दीजिएगा कि क्यों कर रहे हैं, आपको क्या पसंद नहीं आया, ठीक है। तो मैं भी चेंज करने की कोशिश करूँगी, मैंने भी अभी स्टार्ट करा है और मैं ये चाहती थी कि ऐसा ना हो कि सभी लोग कन्फ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट करा था आई गेट कन्फ्यूज अबाउट इट कि कहाँ से स्टार्ट करना है, किसे फॉलो करूँ किसे नहीं करूँ, इतने सारे लोग हैं सभी अच्छे लगते हैं तो ऐसा लगता है सभी को सुन लो, लेकिन पूरा दिन अगर PIB और करंट अफेयर भी पढ़ा तो फिर अदर सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के लिए या PCS की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो आप नोटिफिकेशन बेल को टैप कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना जैसे कि आपको हमारे पूरे वीडियोज़ मिलते रहें। स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं कि सारा कुछ पढ़ लें, ऑलराउंडर कोई भी नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट किसी को अच्छे से नहीं हो पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय।